आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र व झीलें, राजस्थान ड्रेनेज सिस्टम एंड लेक्स। राजस्थान में बहने वाली नदियों की प्रकृति, दिशा, प्रवाह प्रणाली के आधार पर हम इनको तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला बंगाल के खाड़े में गिरने वाली नदी, दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, तीसरा आंतरिक प्रवाह प्रणाली। प्रथम आता है इसमें बंगाल की खाड़ी या पूर्वी सागर में गिरने वाली नदियाँ। इसमें चंबल नदी एमपी से निकलकर राजस्थान के दक्षिणी पूर्व में बहती है। ये क्षेत्र सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला भाग है, जहाँ 80 सेंटीमीटर से अधिक है। ये पथरीले पेटे में होकर बहने वाली नदी है। इसकी सहायक नदियों में काली सिंध, पार्वती, बनास जिसमें मासी, बांडली, बेड़च आदि है। ये आती है पहली चंबल नदी। ये मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल 616 मीटर में जनापाओ मऊ नामक स्थान से निकलती है। इसको कामधेनु के साथ साथ प्राचीन समय में चर्मवंती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो एमपी है। ये नदी अपने उद्गम स्थल से 325 किलोमीटर की दूरी तक एक लंबे सकरे तथा तीव्र गर्त में होकर बहती है। उद्गम स्थल से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहकर में एमपी के भिंड व मुरैन जिलों में बहती हुई चौरासीगढ़ के समीप आती है। यहाँ यह 884 मीटर की ऊंचाई में से 50 मीटर की ऊंचाई तक गिरती है। यह नदी चौरासीगढ़ से कोटा तक 113 किलोमीटर लंबी एक गॉर्ज में बहती हुई आती है। ये राज्य के झालावाड़, कोटा, बूंदी और धौलपुर जिलों में बहती है। राज्य में प्रवेश करते समय इसका तल 300 मीटर चौड़ा हो जाता है। कोटा संभाग में भैंस रोडगढ़ के समीप इसमें वामनी नदी आकर मिलती है। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही 18 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला चूलिया जलप्रपात है। उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई यह है कोटा और बूंदी के पश्चात सवाईमाधोपुर, करौली और कोटा के बीच सीमा बनाती है। कोटा से 65 किलोमीटर की दूरी पर पाली नामक स्थान पर पार्वती नदी आकर गिरती है। अन्य सहायक नदियों में चंद्रभागा व सीमान महत्वपूर्ण है। नदी का प्रभाव राजस्थान में लगभग पठारी व मैदानी। चंबल नदी उत्खात स्थल करती बैंडलैंड टॉपसिट का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। खेती सर्वथा अनुपयुक्त है। अपने उद्गम स्थल से यमुना नदी में मिलने तक यह नदी 965 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात मुसदगंज से समीप यमुना में मिल जाती है। राजस्थान में यह नदी 135 किलोमीटर की दूरी में बहती है। वह पालिया से पिनाहट तक व आगे यह तक राजस्थान और एमपी के मध्य 241 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। इसका राजस्थान राज्य में कुल अफवाह क्षेत्र 19,500 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान व एमपी के आर्थिक विकास में केंद्र स्थान रखने वाली चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज बनाकर सिंचाई व जल विद्युत की सुविधा प्राप्त की जाती है। दूसरी नदी आती है बनास, जिसको कहते हैं वन की आस। उदयपुर जिले के कुंभलगढ़ के निकट खमनौर की फाड़ियों से है, जो कि कांकरोली व नाथद्वारे के मध्य का अफवाह क्षेत्र कहलाता है। बनास नदी अरावली पर्वत की श्रेणियों को काटती हुई मेवाड़ के मध्य से होती हुई उदयपुर, नाथद्वारा, राजसमंद, रेलमगरा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी, रामेश्वरम नामक स्थान पर चंबल नदी मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में बेड़च, गंभीरी, कोठरी, खारी, मैनाल, बांडी, मौसी, दुंद व मोरेल है। बिगोता व मांडलगढ़ के मध्य बनास, बेड़च और मैनाल नदियों का संगम स्थल है, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। लंबाई 480 किलोमीटर व क्षेत्र उपजाऊ है। ये मौसमी नदी है। बनास नदी पर टोडा रायसिंह नगर के समीप बीसलपुर गाँव में बांध बनाया गया है, जिससे पेयजल और पेयजल व सिंचाई सुविधाएँ मिल रही है। सियाती गंभीरी बेड़च की सहायक चित्तौड़गढ़ में प्रभावित होती है। इसका क्षेत्र
4,865 वर्ग किलोमीटर है। बेडच उदय सागर झील से निकलने से पूर्व आयड़ नदी के नाम से पुकारी जाने वाली बेडच नदी का उद्गम स्थल उदयपुर शहर के उत्तर में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों में स्थित है। अपने उद्गम स्थल से उत्तर पूर्व की ओर 39 किलोमीटर बहने के पश्चात चित्तौड़गढ़ के आगे बिगोद के समीप बनास में मिल जाती है। यहीं पर पर्यटन स्थल मैनाल का महत्व। पांचवी आती कोठारी। उद्गम स्थल उदयपुर जिले के उत्तर में दिवेर नामक स्थान पर, ये 145 किलोमीटर मैदानी भाग में बहने के पश्चात भीलवाड़ा जिले में बनास नदी में मिल जाती है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ कस्बे से 8 किलोमीटर दूर कोठारी नदी पर मिर्जाबाद बनाया गया है। जिले में 10,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है तथा जिले में घरेलू उपयोग भी होता है। नेक्स्ट नदी आती है पार्वती। ये चंबल की सहायक है। इसका उद्गम इंडियन श्रेणी के उत्तरी ढाल से यहाँ से निकलकर MP में बहने के पश्चात कोटा जिले के करियाहट स्थान के निकट राजस्थान प्रवेश करती है। 65 किलोमीटर बहने के पश्चात पाली नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। नेक्स्ट नदी आती है खारी। बनास की सहायक का उद्गम सुदूर उत्तर भाग में उदयपुर के बिसराला ग्राम के पास की पहाड़ियों से है। ये देवगढ़ के समीप से होती हुई अजमेर जिले में देवली के समीप बनास नदी मिल जाती है। 80 किलोमीटर लंबी नदी। नेक्स्ट आती है काली सिंध। चंबल के सहायक का उद्गम ये मध्य प्रदेश है। ये राज्य के संक्षिप्त अफवाज के दौरान यहाँ झालावाड़ कोटा में बहते हुए नावेरा नामक स्थान पर चंबल नदी मिल जाती है। आखिरी नदी का नाम है बाणगंगा नदी। जयपुर जिले के बैराट पहाड़ी से निकलकर बहने वाली बाणगंगा नदी राजस्थान व यूपी की सीमा बनाती हुई आगरा जिले के फतेहाबाद नामक स्थान के निकट यमुना नदी मिल जाती है। ये राजस्थान में जयपुर दौसा भरतपुर जिलों में बहती है। ओके।